कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने तय किया है कि वो सत्र को बाधित नहीं करेगी। कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान चीन सीमा विवाद, न्यायपालिका और महंगाई के मसले पर केंद्र सरकार को घेरेगी। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। यह पुराने संसद भवन में ही चलेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस तीन मुख्य मुद्दे उठाएगी। इनमें भारत चीन सीमा विवाद, महंगाई और देश में संवैधानिक व स्वतंत्र संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप शामिल है। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में बेरोजगारी के मुद्दे, किसानों के लिए MSP गारंटी, मूल्य वृद्धि, मुद्रा स्फीति, साइबर अपराध, न्यायपालिका और केंद्र के बीच तनाव, रुपए का कमजोर होना, उत्तर भारत में कम निर्यात और वायु प्रदूषण सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में है, इसे कराना जरूरी है। EWS आरक्षण पर बातचीत हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीश संशोधन पर सहमत हुए और दो ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस इस पर पुनर्विचार करने की मांग करेगी और संसद में बहस करना चाहेगी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग की, साथ ही कहा संसद में होनी चाहिए EWS पर बहस। जाति जनगणना होने से देश में जाति के झगड़े खत्म हो जाएंगे। सारे फैसले फैक्ट और डाटा के आधार पर होंगे। न आंदोलन होगा, न बसें जलेंगी, न पुलिस फायरिंग में युवा मरेंगे। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी समेत इसके कई नेताओं के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के कारण संसद सत्र में भाग लेने की संभावना नहीं है। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।